नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, करेले की सब्जी देखते ही सब खाने के लिए मना कर देते हैं, पर फ्रेंड्स आज हम कुछ इस तरह से करेले की सब्जी बनाएंगे कि आप उसे किलो किलो भर खा लोगे। आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी सी करेले की सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये लिए हमने 250 ग्राम करेले हैं, अब हम इन्हें कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम करेले को छीलेंगे नहीं, इसे ऐसे ही कटिंग करेंगे और जो इसमें बीज होंगे कड़क वाले उन्हें निकाल देंगे। फ्रेंड्स, करेले की सब्जी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और डायबिटीज पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि करेला खाओ या जूस पियो। तो फ्रेंड, हम इस तरह से सारे करेले को कटिंग कर लेंगे और जो इनमें जो कड़क बीज है उन्हें हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स, करेले को हमने कटिंग कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देंगे। नमक से जो करेले में कड़वापन होगा वो निकल जाएगा, कुछ इस तरह से इसे मिक्स करके ढक देते हैं। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो भी कड़वा पानी होगा वो निकल के बाउल में नीचे आ जाएगा और हमारे करेले अच्छे से हो जाएंगे। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, करेले को चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, करेले थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं और ये देखिए नीचे पानी भी आ गया है। अब हम इन्हें 2 से 3 बार वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, करेले को हमने 2 से 3 बार एकदम अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, अब ये एकदम साफ भी हो गए हैं। फ्रेंड्स, 2 से 3 वॉश करने से इनके जो एक्स्ट्रा कड़वापन होता है वो भी निकल जाता है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम गैस की ओर। इस करेले में हमें ना बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत है, न ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मसाले डालने हैं। थोड़े से सिंपल से मसाले में ये सब्जी बनके रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल। ये 2 चम्मच तेल से अच्छी तरह से बनके रेडी हो जाएगा। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें ऐड करते हैं 1/3 चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम को रखते हैं लो पे और साथ ही अब इसे ऐड करेंगे इसमें 1 कटिंग किया हुआ प्याज। ये 1 बड़ा प्याज हमने कटिंग किया है। फ्रेंड्स, प्याज डालने से सब्जी की बहुत टेस्टी भी बनेगी और जो थोड़ा बहुत जो कड़वापन बचा है वो भी प्याज की वजह से इसमें एकदम खत्म हो जाएगा और सब्जी हमारी एकदम टेस्टी बनकर रेडी होगी। प्याज को थोड़ा सा सोते होने देते हैं। प्याज हमारे थोड़े से सोते हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 हरी मिर्ची जो इसे थोड़ा सा चटपटापन देगी। तो साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने करेले धो के रखे थे वो। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसी टाइम हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर ताकि हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए और इसे बिना ढके पकने देंगे। साथ ही साथ इसमें बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ये धीरे धीरे करके अपने आप ही एकदम अच्छी सी सब्जी बन जाएगी और एकदम कड़क भी हो जाएगी क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें ताकि ये हमारी सब्जी जले भी नहीं और अच्छी सी बनके रेडी भी हो जाए। फ्रेंड्स, वापस ये कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे अलटते पलटते चलाते हुए हम 2-3 से 4 बार चलाएंगे तब तक हमारी ये सब्जी बनके एकदम रेडी हो जाएगी। एकदम हेल्दी क्योंकि इसमें ना तो हमने
ज्यादा मसाले ऐड करने हैं ना हमें इसे और कुछ ऐड करना है। और ये हमारी हल्दी से सब्जी बनके रेडी होगी और बिना कड़वाहट के, कि कोई बच्चा भाई आराम से इसे खा सकता है। और ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। इसे हमने 3 से 4 बार पलट पलट दिया था फ्रेंड्स। अब ये हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए कितने फटाफट से सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, नमक हम इसमें थोड़ा कम ऐड करेंगे क्योंकि इसमें पहले से नमक लगा हुआ था। 3 जितना काला नमक और स्वाद अनुसार नॉर्मल नमक। और इन सब के साथ हम इसमें ऐड करेंगे सब्जी को थोड़ा सा चटपटापन देने के लिए 1/3 चम्मच अमचूर पाउडर। और इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम कम तेल में हमारे करेले की सब्जी बनके रेडी। कड़वी भी नहीं है और आप इसे दाल चावल रोटी किसी के साथ भी, रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो। और फ्रेंड्स आप इसे सफर में भी लेके जा सकते हो, ये 2-3 दिन खराब नहीं होती है क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारी ये सब्जी टेस्ट करके कमेंट जरूर करें कि फ्रेंड्स कैसी बनी है। फ्रेंड्स आप किस सिटी से हमें देख रहे हो या किस देश से हमें देख रहे हो ये भी बताएं ताकि हमें भी पता रहे कि हमें कहां कहां से हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं। सारे मसाले ऐड हो गए हैं और ये सब्जी भी बनके रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि अब ये पैन भी थोड़ा गर्म है तो इसे थोड़ी देर इसी में रहने देंगे फ्रेंड्स। अब इसे सर्व करते हैं। ये देखिए इतनी अच्छी करेले की सब्जी बनके रेडी हुई है फ्रेंड्स। ये हमारी एकदम चटपटी सी करेले की सब्जी बनके रेडी। इसके ऊपर थोड़ा सा हरी धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं फ्रेंड्स। बिना कड़वाहट के ये सब्जी बनके रेडी हुई है। आप इसे कभी भी खा सकते हो और बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी फ्रेंड्स। आप एक बार ट्राई जरूर करें।